हाई कोर्ट का एक आदेश जारी हुआ है कि जितने भी स्कूल हैं कोरोना काल में जो फीस लिया है उसमें से शायद 15% कटौती या 15 या 25% कटौती करनी है, 25%। लेकिन एक मुझे लगता है कि नोएडा के स्कूलों ने अभी तक इस पर एक्शन नहीं लिया, हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। तो हम ये इस मंच के माध्यम से आग्रह करेंगे योगी सरकार से कि इन स्कूल माफियाओं पर भी एक्शन लें। जिस तरह से ये गुंडे माफिया हैं वैसे ही स्कूल माफिया है। स्कूल माफिया भी बहुत, ये शिक्षा माफिया भी अपना एक विकराल रूप धारण किए हुए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश का पालन नहीं हो रहा है और अदालत के आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी राज्य के प्रशासन की है। और हम ये आग्रह करेंगे यूपी सरकार से कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन कराया जाए, शिक्षा माफिया पर नियंत्रण किया जाए। नहीं, जहां तक तो मुझे याद है मुनि जी, हाईकोर्ट का आदेश बाद सरकार भी आदेश जारी कर चुकी है। जो जो स्कूल नहीं कर रहा उसको पर्टिकुलर टैग करके आप योगी सीधे योगी बाबा को ट्वीट करिए, निश्चित उसका परिणाम मिलेगा, निश्चित उसका परिणाम। कौन स्कूल ऐसा नहीं कर रहा, कौन स्कूल ऐसा नहीं कर रहा। बिल्कुल, हम इस मंच से आग्रह करेंगे कि जो भी लोग हैं पूरे प्रदेश में जहां कहीं भी ऐसा हो रहा है अपने ट्विटर हैंडल से टैग कीजिए यूपी पुलिस को, योगी आदित्यनाथ को, कि शिक्षा माफिया जो है वो हाई कोर्ट का और यूपी सरकार के आदेश का पालन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, यूपी में रह करके शिक्षा माफिया ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। विदित जी कह रहे हैं 15% कमी करने का है कि इस कोरोना काल में जो लोगों का हो उस हाँ दौर में उससे कम किया जाए। ये जनता का राज है, ये राम राज इसकी चीज कही जा रही है कि यदि सरकार के इस आदेश का पालन नहीं होता है तो ये बहुत दुखद है।